एक जहाज जो बहुत फेमस हुआ था और जो डूब गया, जिसको टाइटैनिक कहते हैं और कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो, और उस टाइटैनिक में लोग बचाए जा सकते थे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने कहा जिसने बनाया था कि वो डूब नहीं सकता है, और इसलिए उस पर सब चीज थी, केवल एक चीज नहीं लिया उन लोगों ने। और जानते हैं क्या, उन्होंने लाइफ बोट उतनी नहीं ली जितनी की जरूरत थी। खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए आज आप सबों का खैर मकदम और स्वागत करता हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमको और सिस्टर मुरार को ये मौका दिया कि हम एक सुंदर शिप पर, जिसको क्रूज कहते हैं, उस क्रूज पर हम आए हुए हैं 3 दिन के लिए, और बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन यहाँ पर भी सब एंटरटेनमेंट के बावजूद खुदा के कलाम से हम दूर नहीं हुए। वो हमें दूध और मधु की धारा वाले देश में पहुंचाता है, मगर वो हमारे साथ रहता है और उसकी आशीषें बराबर बनी रहती है। जब हम इस जहाज पर चढ़े तो हमें याद आया एक जहाज जो बहुत फेमस हुआ था और जो डूब गया, जिसको टाइटैनिक कहते हैं और कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। और जब भी आप पानी के जहाज पर आते हैं तो आदमी हमेशा टाइटैनिक को याद करता है, और उस टाइटैनिक में लोग बचाए जा सकते थे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने कहा जिसने बनाया था कि वो डूब नहीं सकता है, और इसलिए उस पर सब चीज़ थी, केवल एक चीज़ नहीं थी। लग्जरी के सारे संसाधन थे, केवल एक चीज़ नहीं थी पूरी मात्रा में। यात्रियों की संख्या के हिसाब से अंडा भी था, ब्रेड भी था, सारे एंटरटेनमेंट थे, प्लेट था, गिलास था, सारी चीज़ें, कमरे थे, केवल एक चीज़ नहीं लिया उन लोगों ने। और जानते हैं क्या, उन्होंने लाइफ बोट उतनी नहीं ली जितनी की ज़रूरत थी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर दिखाएं, ये ऊपर बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर ये लाइफ बोट है, और एक एक बोट जो है वो 150 लोगों को एक साथ, आप देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरे जहाज में ये लाइफ बोट है। अगर थोड़ा सा आप और इधर आ जाइए तो ये देखिए उसका प्रोपेलर है, वो जो वो करता है, और ये पूरी बोट है, ये पूरी नाव है। आप अगर थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ये बोट बिल्कुल जहाज के बाहर टांगी गई है, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर, कोई बात होने पर, दुर्घटना होने पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। और टाइटैनिक जो जहाज था उसकी प्रॉब्लम ये थी, जैसा मैंने कहा कि खाने पीने की सारी भरपूरी थी, सारा एंटरटेनमेंट था, सब कुछ था उनके पास, केवल इनफ लाइफ बोट्स नहीं थी। मित्रों, मैं आज आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ज़िंदगी की एक नाव में हम भी हैं। इस नाव में आपने बहुत कुछ भर लिया है, अपना एजुकेशन भर लिया है, अपनी डिग्रियां भर ली हैं, अपने घरों को आपने अच्छे से अच्छा सजा लिया है, आपने बहुत से इंतज़ाम घरों के लिए किए हैं, किचन को भर लिया, सिटिंग रूम को भर लिया, बच्चों को एजुकेशन दिया, नौकरी की, और आप खुश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सुरक्षा की अवहेलना कर दी, आपके पास सुरक्षा के पूरे संसाधन नहीं है। और ज़िंदगी की सुरक्षा यीशु मसीह को छोड़ करके, उसके लहू को छोड़ करके और कोई दे ही नहीं सकता है। आप रखिए जितना आपको माल सबाब रखना रखिए, लेकिन मेक श्योर कि अगर दुर्घटना हो जाए, अगर ज़िंदगी में, और देखिए ज़िंदगी है तो दुर्घटना होगी ही, कहीं ना कहीं हम फंसेंगे ही, और अगर आपको उस दुर्घटना से कोई चीज़ बचाएगी तो वो सिर्फ हमारे प्रभु की आशीष और हमारे प्रभु का उद्धार बचाएगा। इस जहाज में अगर कुछ हो जाता है, इस पानी के जहाज में, सोचिए इतना बड़ा समुंदर है, हमारी और आपकी बिसात क्या है, हम कहाँ दिखाई देंगे इसके अंदर,
कितनी देर तैरेंगे और कितनी देर हम कहाँ जाएंगे मित्रों? दूर दूर तक कोई जमीन नहीं, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं। जिंदगी भी ऐसे ही है, कई बार आप समुद्र के बीच में अपनी जिंदगियों को पाते हैं, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं, अपने साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त जैसे ये लाइफ बोट, जैसे ये जीवन रक्षक नाव जो है, देखिए कैसे टांग करके रखी गई है, और ये अंदर इसके अंदर सारा प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर लोग रह रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जहाँ पर इन बोट्स को रहना चाहिए वहाँ पर इन्होंने कितनी सुरक्षित तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, बिल्कुल उस जगह की अगर कोई प्रॉब्लम हुई, रस्सियाँ काटी गई और तुरंत ये बोट जो है वो पानी के अंदर चली जाएगी लोगों को लेके। एक एक बोट में लिखा हुआ है कि 150 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, और अब इतनी बोट्स रखी जाती हैं, इतनी नावें रखी जाती हैं जो जीवन रक्षक नावें होती हैं, ताकि जितने पैसेंजर हैं हर एक पैसेंजर के नाम पर, हिसाब पर ये बोट्स रखी जाती हैं। अब ऐसा रिस्क नहीं लिया जाता है मित्रों। हमारे प्रभु ने एक एक जन के लिए अपना प्राण, अपना लहू बहाया है, कोई ऐसा नहीं है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक लाइफ बोट के समान है, हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए वो तैयार है, उसका लहू हमको हर एक पापों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो क्यों ना सबक लेकर के, जो टाइटैनिक के साथ हुआ, आज सबक लेकर के सारे पानी के जो जहाज़ है, जो शिप है, वो सब सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से एडेक्वेट होते हैं, संपन्न होते हैं, सुरक्षित होते हैं। बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो गई मित्रों, आप और हम कहाँ हैं? क्या हम भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे? कभी नहीं। अगर जीवन रक्षक कोई चीज़ है तो हमारे प्रभु का नाम है, हमारे प्रभु का लहू है, हमारे प्रभु का उद्धार है, और वो हमेशा हमको मिलता रहेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, मेरी ओर से, सिस्टर मुरार की ओर से, भाई जोनाथन की ओर से, आप सबों को बहुत बहुत जय मसीह की। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, अपनी पनाह में, अपने निगरानी में रखे, और मेक श्योर जब आप जिंदगी के ऐसे समुंदर में रहें तो सुरक्षा की नाव पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, कोई समझौता मत कीजिएगा, और अपना पूरा भरोसा अपने प्रभु पर बनाए रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।